आज पूरे जिले में जो है सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ और मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर के दीक्षित स्वयं जो है निकल करके सारे रेस्टोरेंट और ढाबे और मिठाई की दुकानों पर हम लोग जागरूक हैं कि कहीं से नववर्ष की के अवसर पे कहीं कोई दिक्कत ना आए, आम जनमानस को शुद्ध और खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध हो और सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से सुचारू रूप से मिले, इसके लिए हम लोग पूरा टीम हमारी जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयत्नशील है और हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए। क्या निर्देश जारी किया गया है यहाँ पर? निर्देश है कि आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग को कि कड़ी सतत निगरानी रखा जाए, निरीक्षण किए जाए और निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और इन सब चीजों की जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन कराया जाए, जिसको हमें कड़ाई से हम लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है। सर, नौ वर्ष के साथ साथ कोविड का भी कोविड प्रोटोकॉल भी आ गया है, तो इसलिए कोविड के संबंध में भी इनको जो है दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इनके यहाँ कुछ गंदगी पाई गई है, कुछ अपरन और ये हेड कवर का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके लिखित इनको हमने सूचना अभी दी है। नंगे हाथों से खाना भी बनाया जा रहा है और इन लोगों को जो है हमने कहा है हेड ग्लव्स और अपरन ये इनका प्रयोग करें बिना इसके जो है ये खाद्य पदार्थ निर्मित न करें। क्या कार्रवाई सर की जा रही है? अब इनको नोटिस जारी किया गया है, ये सुधार करके नोटिस की सूचना का जवाब देंगे, आगे फिर कार्रवाई। ठीक सर, थैंक यू।